नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके बीच एक चैप्टर लेकर आए हैं और वो चैप्टर क्लास 10 से संबंधित है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में जानना है वो है चार्ज। चार्ज को हिंदी में आवेश कहा जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर चार्ज क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। एक बार की बात है, थेल्स ऑफ मिलेटस ने ऐसा पाया कि जब अंबर को फर के साथ रगड़ा गया तो उसमें देखा गया कि उसमें जो है हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स को, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हो गए या फिर सूखी घास की पत्तियां हो गई या फिर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, तो ये जो डस्ट के पार्टिकल्स, ड्राई लीव्स और बिट्स ऑफ पेपर होते थे वो जो है अंबर की तरफ जो है आकर्षित होते थे। और जिस बॉडी में इस तरीके का अट्रैक्शन प्रॉपर्टी एक्वायर होता था, जिस बॉडी में इस तरीके के अट्रैक्शन जो है, इस तरीके के आकर्षण जो है, बल जो है आ जाती थी, ऐसा कहा जाता था कि वो जो बॉडी है या फिर वो जो मटेरियल है वो जो है इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इलेक्ट्रिफाइड होने का मतलब हो गया कि उसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा आ चुकी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रीक नेम जो है अंबर का इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन शब्द है, ये इलेक्ट्रॉन शब्द उस इलेक्ट्रॉन शब्द से जो कि एटम में है उससे कहीं ज़्यादा जो है अंतर क्रिएट करता है। अंतर इस शब्द, इस बात को लेकर है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पेलिंग उस इलेक्ट्रॉन के स्पेलिंग से एकदम अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्पेलिंग है वह है ELEKTRON, और यही वो ग्रीक शब्द है इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। हम लोग बहुत पहले से ऐसा समझते आ रहे हैं कि जब किसी ग्लास रॉड को और इबनॉइड रॉड को, जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है और एक इबनॉइड रॉड को एक फ्लेनल के टुकड़े से या फिर फर के साथ रगड़ा जाता है, तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए उस चीज़ को जो हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, छोटे छोटे क्लासेस में, उन सभी चीज़ों को फिर से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा पाया जाता है कि एक ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ जाता है तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वहीं पे सिल्क के कपड़े में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ग्लास रॉड लिया है और एक जो है सिल्क का कपड़ा लिया है। इस ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस सिल्क के कपड़े में नेगेटिव चार्ज आ गया है। दोनों में कुछ ना कुछ मात्रा में चार्ज है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अनलाइक चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्ज ऑफ टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। इसी कारण से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शनल फोर्स लगाएंगे, यानी कि ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जब एक इबोनॉइड रॉड को एक फ्लेनल के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो इबोनॉइड रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फ्लेनल के टुकड़े में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या फिर यदि हम लोग एक इबोनॉइड रॉड को फर से रगड़े तो भी इसी तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इबोनॉइड रॉड को हम लोग जो है फ्लेनल के टुकड़े के साथ या फिर फर के साथ रगड़े हैं तो इस इबोनॉइड के टुकड़े में एक चार्ज आ गया और वो चार्ज है नेगेटिव चार्ज। और इस फर के टुकड़े में भी कुछ ना कुछ मात्रा में चार्ज आया है और ये जो चार्ज आया है वो है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज हमेशा जोड़े में बनते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों तरह के चार्ज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इबोनॉइड रॉड में नेगेटिव चार्ज है तो फ्लेनल के टुकड़े में पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को जो है आकर्षित करेंगे। फिर अब जिस तरीके के चार्जेस उस ग्लास रॉड में और इबोनॉइड रॉड में आ चुका था वो था चार्ज जो कि रेस्ट पे था, जो चार्ज मूव नहीं कर रहा था, जो चार्ज जो है रेस्ट पे था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो कहा जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो है रेस्ट में है। तो इस तरीके के जो चार्ज वो एक्वायर किया है उस एक्वायर चार्ज को हम लोग नाम दिए हैं स्टैटिक चार्ज।
स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है कि एक ऐसा चार्ज जो कि घर्षण के कारण इंसुलेटिंग बॉडीज में, जो कि रेस्ट में यानी कि स्थिर में है ना, उसमें जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे चार्जेस को हम लोग स्टैटिक चार्ज कहते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन बिटवीन इंसुलेटिंग बॉडीज रिमेन एट रेस्ट आर नोन एज स्टैटिक चार्जेस। उसी में विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, जो कि चार्ज एट रेस्ट यानी कि स्टैटिक चार्जेस के कारण हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक मैटर को दूसरे मैटर के सामने ले जाने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स या तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका मतलब कि या तो वो एक दूसरे को एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो है उसी तरीके से, चूँकि इलेक्ट्रिक चार्ज में डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक चार्ज में डायरेक्शन भी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है क्योंकि वेक्टर्स का जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसको हम लोग एक प्रॉपर्टी कहते हैं वेक्टर का, वो वेक्टर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज फिट नहीं बैठता है, ना ही इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी से ले संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए विद्युत धारा से जो है संबंधित जितने भी तरह की चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। साथ साथ में इसे एक अलग फिजिकल क्वांटिटी भी नाम दे दिया गया है, जिसे हम लोग टेंसर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट कूलाम है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसको चार्ल्स कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसको खोजा था, इसी कारण से इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग उसी के सम्मान में लेते हैं। जब उन्हीं के सम्मान में इसको लिया जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैपिटल सी से जो है दिखाते हैं। फिर अलग अलग तरह के चार्ज के प्रकार होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। फिर है अगला टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं पोलारिटी ऑफ चार्ज। पोलारिटी ऑफ चार्ज क्या है? तो पोलारिटी ऑफ चार्ज एक प्लस या फिर माइनस साइन होता है जो कि हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को देते हैं। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग दो तरह का चार्ज दे रहे हैं, या तो प्लस या फिर माइनस, तो इस प्लस और माइनस साइन को देने से हम लोग दोनों तरह के जो है पार्टिकल्स को, जो हम लोगों के पास पार्टिकल है या फिर जो हमारे पास मैटर है जिसको हम लोग प्लस या माइनस साइन दिए हैं, उससे हम लोग आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग उसको अंतर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ये पता करें कि दोनों तरह के चार्ज जो है वहाँ पर किस तरीके के हैं। और एक ऐसा बॉडी जिसमें किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में तीन तरह के मेथड सामने आ चुके हैं। पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, जिसमें हम लोग देखते हैं, पीछे देख चुके हैं कि जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड में जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क का कपड़ा है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास एक इबोनॉइड रॉड भी है। उस इबोनॉइड रॉड को जब हम लोग फ्लेनल के टुकड़े से रगड़ते हैं तो इबोनॉइड रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फ्लेनल के टुकड़े में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद का जो मेथड है चार्जिंग का, उसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? कि यदि किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने यदि हम ले जा रहे हैं फिजिकल कांटेक्ट में, तो उसके कारण वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें भी एक तरह का चार्ज आ जाता है, और उस चार्ज को, चूंकि ये जो चार्ज है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट तक। फिर हम लोग बाद में इसका अर्थिंग करते हैं, तो होता क्या है कि चार्ज जो है एक दूसरे से दूसरे एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चार्ज कंडक्ट कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पार्टिकल का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, देर इज़ अ नेट नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। इसीलिए ऐसे मेथड को जो चार्जिंग का है उसे हम लोग चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं।
मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज बाय प्लेसिंग इट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी चार्ज नोन एज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का चार्ज का शेयरिंग हुआ है, कि इसमें चार्ज नेगेटिव था, यहाँ पे भी हम लोग जो है देख सकते हैं कि इस तरीके का जो मेटल स्फेयर है जो इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा है इसमें भी एक तरह का चार्ज आ चुका है। इसके बाद का जो मेथड है चार्जिंग का उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो हम लोग मेथड यूज़ किए हैं वो था फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब कि हम लोग जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट था है ना और जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था उसको एक दूसरे के संपर्क में रखे थे। यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोगों को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को दूर रखना है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच अ न्यूट्रल कंडक्टर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला हमारे पास जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को हम लोग एक न्यूट्रल कंडक्टर कह रहे हैं। न्यूट्रल कंडक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जे जे थॉम्सन न्यूट्रल मॉडल ऑफ एन एटम से कि एक एटम पूरा जो है न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं एक एटम के अंदर, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग इस मेटल स्फेयर को हम लोग अनचार्ज्ड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो है दोनों मात्रा में चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। वहीं पे एक इबनॉइड रॉड जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है इसको हम लोग जब इसके संपर्क में रखते हैं बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट का तो देख रहे हैं क्या कि जो अनलाइक चार्ज है वो इसके नियरर इन में आ जाता है और जो लाइक चार्ज है वो उसके फार्दर इन में चला जाता है। फर्दर जब उसको हम लोग कॉन्टैक्ट में रखते हैं ग्राउंड वायर के साथ तो मतलब क्या कि हम लोग आर्थिंग करते हैं तो जितना भी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में चार्ज था इस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर वो हमारे अर्थ सरफेस पे चला जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इट इज़ द अर्थ विच गेन्स और लूजेस द चार्जेस। इसी कारण से ये जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट था वो पूरा पूरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गया और दोनों में अलग अलग तरह के चार्जेस दिखने लगे, जिसको हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन इंडक्शन बोलते हैं। सॉरी,